चीन में फैले कोरोना वायरस की आंच अब भारत में भी देखने को मिल रही है। यहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मेडिकल छात्र को कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज माना जा रहा है, जिसकी जांच के लिए उसके खून के सैंपल लेकर NIV पुणे भेजा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दो दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया गया है कि यह छात्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के वुहान क्षेत्र में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। यह चीन से 17 जनवरी को उज्जैन आया। उसे सर्दी जुकाम और बुखार की तकलीफ है। कुछ दिन तक घर में रहने के बाद अब उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी गाइडलाइन के अनुसार चीन में 25 जनवरी तक 1287 मरीज मिले थे, इनमें से लगभग 80 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज़ डेस्क।